हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ पराठा। और उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो हमने ले रखा है मैदा, चिली फ्लेक्स है, ऑर्गिनो, बटर और चीज़। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी है ये। आप बिल्कुल 5 मिनट में इसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि चीज़ तो सबका ही फेवरेट होता है। तो आप उसे स्टार्ट करते हैं, हम 5 मिनट में हम ये रेसिपी फटाफट बना लेते हैं। सबसे पहले हम बटर मेल्ट कर लेते हैं, ये हमारे इसमें हेल्प करेगा। इसलिए हम सबसे पहले बटर में मेल्ट कर लेते हैं। मैदा हम गूंथ लेते हैं, उसके लिए हम पानी ऐड कर रहे हैं। मैदे का ही बनेगा ये। मैदे को हम अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे पराठे की तरह, जैसे पराठे के लिए आटा हम गूंथते हैं ना, वैसे ही हम इस चीज़ पराठे के लिए भी हम मैदा उसी तरह गूंथेंगे। आटा हमने गूंथ के ऑलरेडी रख लिया है। अब हम ये जो चीज़ हमने ग्राइंड करके रखा है उसमें हम ऑर्गिनो और चिली फ्लेक्स ऐड करने वाले हैं। अगर आप बच्चों के लिए बनाएगा तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा चिली फ्लेक्स मत डालिएगा, उनको जैसा ठीक लगे आप वैसे ही करिएगा। अगर वो ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तभी आप ज़्यादा ऐड करिएगा। ऑर्गिनो तो आप डाल सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद आता है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हो चुका है हमारा, अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने मैदे की लोई ले ली है, अब हम इसे बेलेंगे। अब हम इसे बेलते हैं पराठे को। जैसी साइज रखनी हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपको बड़े बड़े पराठे बनाने हैं तो आप उस हिसाब से रखिएगा, अगर छोटे बनाते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पराठे बेल लिए हमने, अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। हम इसके सरफेस पे बटर लगाते हैं, बहुत ही अच्छे से आप लगाइएगा इसमें, देख सकते हैं। अब उसमें चीज़ ऐड करेंगे, इसमें ऑलरेडी ऑर्गिनो और चिली फ्लेक्स ऐड है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब हम इसे फोल्ड करेंगे चारों तरफ से। बहुत ही जल्दी बनने वाला है चीज़ पराठा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है ये। ये देख सकते हैं ये हो चुका है। अब हम इसे बहुत ही जल्दी तवे पे डालने वाले हैं, तवे को गर्म होने के लिए रख दिया हमने तवे को गर्म होने के लिए। अब हम इसमें अपने पराठे को डाल देंगे, हमने तवे पे पराठा डाल दिया है। पराठा सिक रहा है तो बहुत मन कर रहा है खाने का, बहुत ही जल्दी होने वाला है ये और हम सब इसे खाने वाले हैं। चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। और आप ये हमने मैदे में बनाया, बट अगर आप चाहते हैं तो आप आटे में भी बना सकते हैं। जैसे कुछ लोग मैदा नहीं खाना चाहते हैं, उनको हार्मफुल लगता है, तो वो आटे में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बहुत ही यम्मी लगने वाला है ये। दूसरी तरफ का भी सेक दिया है, अब हम इसे पलट देंगे।
में भी बटर लगाएंगे, दोनों तरफ बटर लगाएंगे। बटर से बहुत ज़्यादा टेस्टी सा लगता है। नमक नहीं ऐड किया है बट बटर की वजह से हल्का नमक इसमें लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। पराठा सिक रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, आप देख सकते हैं। गाइस हमारा चीज़ पराठा रेडी हो गया है, हमने इसे सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये चीज़ी सा लग रहा है बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अपने घर में ज़रूर बनाएं ये रेसिपी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। थैंक यू सो मच।